ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਈਐਮਆਈ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਲੋਕ आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान ने दूसरे उन्हें कहा कि कैप्टन सरकार बादलों दी पैड़ों पर चल रही है। उन्होंने जो अकाली दल वालों मारू समझौते किए गए हैं उन्होंने तुरंत रद्द करना चाहिए है। इस संबंधी अज रोस मार्च के नारेबाजी करने तो बाद बठिंडा के ADC नूं एक मेमोरेंडम दिता गया जिस विच उन्होंने कैप्टन सरकार आजाद कराया कि यह जो अकाली दल वालों समझौते किए गए हैं उन्होंने तुरंत रद्द किया जाए। पहला सुनिया तो हैगा सी कि वादे जो वफा नहीं हुए तो कैप्टन साहब का तो तकिया कलाम ही हैगा। इन्होंने 2017 के बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने भी छोड़ो। इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान जिहड़ा व्यापारियों एक बहुत वड्डा वादा किया 350 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिता। उस पैकेज के आख्या कि जो फिक्स चार्ज है बिजली के वो माफ किए जाएंगे, पर हुण जो बिल आ रहे उस किसी भी तरह की कोई मुआफ़ी नहीं दी गई। सो असीं यह कह सकते हैं कि कैप्टन साहब तो जानी कि झूठ की पंड है और लगातार यह जो मिलकर जोड़ा है सरकार माफिया के चला रहे हैं। जिदा तुम मेरे हाथ से धरती भी देख रहे हो कैप्टन बादल की यारी पैगी जनता को भारी, क्योंकि ये जो समझौते हुए थे कैप्टन साहब ने जो बादल साहब उन्होंने जाते जाते किए थे इस तरीके किए हैं और कैप्टन साहब ने वादा करके किसी उत्ते रिव्यू करा। रिव्यू ना करके वो हिस्सेदारी सिर्फ ट्रांसफर हुई है जी पहले बादलों को जाती थी हूँ कैप्टन को जा रही है, पर यह सारी चीज़ का जो खमियाजा है वो पंजाब के लोगों को भुगतना पै रहा है और आम आदमी पार्टी जी है इस करके आम आदमी पार्टी ने तहिया किया है कि असी इन्हों चैन की नींद नहीं सौन देंगे। पहले विधानसभा भी इन्होंने असं गोडिया परने किया और सड़कों के उत्ते भी गोडिया परने करा और जे समझौते है जे इन्होंने हूँ कोशिश तो साड़ी यह हैगी है कि आपके ट्रेवर इन्हों रिव्यू करके रद्द कर दे, पर जे इन्होंने रद्द ना किए 2022 तो पक्का है समझौते रद्द करा और लोगों को दिल्ली की तरह इतने भी सस्ती बिजली देव। अज असी आम आदमी पार्टी वालों सारे पंजाब के साडे पंजाब प्रधान श्री भगवंत मान जी की रहनमई थले मेमोरेंडम देन जा रहे हैं जो कि असी राही डिप्टी कमिश्नर बठिंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह मेमोरेंडम देन जा रहे हैं कि जो बादल परिवार द्वारा मारू समझौते किए गए थे प्राइवेट कंपनीज के नाल उन्होंने रद्द किया जाए। वैसे तो कैप्टन साहब को 3-3.5 साल हो गया उन्होंने उसे उन्होंने पैड़ा चल रहे हो बिल्कुल कोई किसी ने समझौता रद्द नहीं किया और इन्हों द्वारा किए गए वड्डे वड्डे वादे देखो कोरोना की महामारी सी लोगों बेचारे रोटी के मुहताज नहीं सके तो बड़े बड़े बिल फिर भी इन्होंने घर फिर जाके उ पहुँचाते हैं। सो इन्होंने रल मिल के दोनों ने दो सरकार ने दोनों परिवारों ने पंजाब के लोगों इन्ना अत्याचार किया कि पंजाब देखो अज जो बिजली है डे बाय डे महंगी होती जा रही है पंजाब और पंजाब सरकारी प्रोजेक्ट किन्ने लगे हुए हैं उन्होंने बंद करवाता और प्राइवेट घराने रल के इन्होंने जो चार वड्डे जो थर्मल प्लांट लवाते इन्हों हिस्सेदारियों और तुम यकीन मनो कि जेकर असी उन्होंने एक यूनिट बिजली भी नहीं ना लेंदे एक यूनिट बिजली भी नहीं परचेज करते कंज्यूम करते तो उन्होंने 20-22 करोड़ रुपया महीने का सानू फालतू का देना पैंता उन्होंने कंपनियों को। सो पंजाब को बर्बाद करके रखता दोनों परिवारों ने साड़ी ही मंग है कि साडे बेचारे इतने जो गरीब साडे व्यापारी जो किसी भी है बिल भरना बहुत मुश्किल होया पिया है किसी दे इन्नी हैतैशी ही नहीं भी कोई बिल भर सकन। सो असी ये मंग करते हैं कि पहले तो समझौते रद्द किए जाए और जो व्यापारियों को बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं उन्होंने पहले मंग की थी टाइम दिता जाए 3-4 महीनों का वो बिल भी दोबारा आने लग पे है और घर के बिल देखो जो किसी एक पखा एक बल्ब उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहा। सो असी सारे पंजाब यही मंग कर रहे हैं कैप्टन साहब न बादल साहब न कि तुम जो लोगों पर इन्ने साल राज किया घट्टो घट लोगों पर तुम माड़ा मोटा तरस करो इन्ह बिलों माफ करो इन्हों और जो मारू थोड़े एग्रीमेंट आ उन्होंने खत्म करके पंजाब एक नवे सुचारू ढंग जो प्रोजेक्ट आ बिजली के आपके बठिंडा के जो सरकारी प्रोजेक्ट उन्होंने चलाओ इसलिए इस बारे मेमोरेंडम देने जा रहे हैं।
ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।